मैं आज आपको क्लोट्रिन सॉल्यूशन के खतरनाक साइड इफेक्ट्स यानी इसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे, मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम वो क्लोट्रिम है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो क्लोट्रिमाजोल है। ये एक टॉपिकल सॉल्यूशन है, टोटल 20 ml का है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो जफा फार्मास्यूटिकल्स है। ये जो क्लोट्रिमाजोल है ये यहाँ पे 1% वेट बाय वॉल्यूम है यानी कि 1% कंसेंट्रेशन में यहाँ मौजूद है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइकोटिक ड्रग है जिसका जो एक्शन है वो फंगीसाइडल है यानी कि ये जो है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, उनको किल करता है। फंगस से जो इन्फेक्शन होता है उसको ये किल कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक, तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है वो फंगीसाइडल एक्टिविटी रखती है। ज़्यादातर जो है ये टॉपिकली यूज़ होता है यानी कि हमारे जो स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होते हैं, खाल के ऊपर हो जाते हैं, वजाइना वगैरह में हो जाते हैं फीमेल्स के अंदर, उसके अंदर जो है ये यूज़ हो रहा होता है। तो चलें अब इसके जो है ख़तरनाक साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो इससे अमूमन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लिस्टरिंग हो जाती है यानी कि जो छाले टाइप निकल आते हैं स्किन के ऊपर, क्योंकि स्किन के ऊपर ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है तो स्किन का ऊपर ज़्यादा इसके इफेक्ट आते हैं। साइड इफेक्ट उसमें होता है कि स्किन के ऊपर जो है वो छाले से बन जाते हैं। इसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है यानी कि सूजिश भी हो सकती है और रेडनेस भी हो सकती है यानी कि लाल लाल हो जाना स्किन का, वो भी हो सकती है। इसके अलावा अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है, सीवियर बर्निंग हो सकती है इससे। इसके अलावा इससे इचिंग हो सकती है यानी कि इससे ख़ारिश भी हो सकती है और इससे जो है इरिटेशन भी होती है यानी कि खुजली भी होती है इससे, और एक स्टिंगिंग चुभन सी इसमें फीलिंग भी आ रही होती है कि जहाँ पे लगाया उधर चुभन सी हो रही है। और इसके ऊपर पिंपल्स वगैरह जो बम्स बन जाते हैं वो भी बन सकते हैं यानी कि इस पर दाने भी हो सकते हैं इससे। इसके अलावा इससे जो है हमारी स्किन के ऊपर टेंडरनेस इफेक्ट हो सकती है। इसके जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक साइड इफेक्ट आता है वो तब आता है जब इसको बहुत ज़्यादा अरसे तक यूज़ करें। उसके अंदर ये हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड होता है यानी कि जो हमारे जो किडनी के अंदर एक ग्लैंड होता है उसके ऊपर, उसको ये इफेक्ट कर देता है, उसके अंदर प्रॉब्लम कॉज कर देता है और ये जो है ख़तरनाक होता है। ख़तरनाक इस तरह कि ये बहुत सी कंडीशंस कॉज कर देता है जिसमें कुशिंग सिंड्रोम आता है यानी कि उसमें कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं हार्मोन के, यानी हमारा हार्मोनल बैलेंस होता है ना उसको ये ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से दूसरे हमें जो है मसले होते हैं और नुकसान होता है उससे। और ये तब होता है जब हम इसे बहुत ज़्यादा अरसे तक यूज़ करें, गलत तरीके से यूज़ कर लें, या हम ऐसे ही इसको बहुत ज़्यादा हाई डोज में यूज़ कर लें। अगर हम तरीके से नॉर्मल डोज में यूज़ करेंगे तो फिर इसके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, या अमूमन तब होते हैं जब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में हम इसको यूज़ कर लें, तभी बोलते हैं कि आप इसको ध्यान से यूज़ करें, ये ड्रग है, मेडिसिन है। अच्छा, इसके अंदर जो है कुशिंग सिंड्रोम भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी कर सकता है यानी कि ये जो एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है उसकी कंसनट्रेशन को भी इंक्रीज़ कर सकता है जो कि ख़तरनाक होता है। आप हमेशा एक बात जहन में रख लें कि किसी भी चीज़ की जब ज़्यादती हो जाए या कमी हो जाए वो हमें नुकसान करेगा, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर आप नोट करें, अगर आपने नोट करा हो कभी, तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तब भी हमें नुकसान करती है, अगर कोई चीज़ कम हो जाए तब भी हमें नुकसान करती है। जब बैलेंस में चीज़ होती है यानी कि मुतवाजन होती है यानी कि बैलेंस्ड होती है तब ये जो है हमें नुकसान नहीं कर रहा होता। तो इसमें भी आपने बैलेंस रखना है। ठीक है, बाकी इसके ख़तरनाक साइड इफेक्ट इतने नहीं है लेकिन ये बहरहाल है ये, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए। इसको तो आपने अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट के कंसल्ट के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। ठीक है, पहले उनसे जाके कंसल्ट करें, उनको बताएं, जब डायग्नोसिस हो जाए तो फिर अगर वो प्रिस्क्राइब करें तो फिर आप इसको यूज़ करें। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे। अच्छा, इसकी मज़ीद डिटेल्स, इसके ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, इसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स और ये क्या प्रेगनेंसी में यूज़ करना चाहिए या नहीं और क्या ये आपकी केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। या आपको ये मेडिसिन चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको सप्लाई भी कर दूँगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।